लिख के मेहंदी से सजना कर। गुड इवनिंग। आवाज थोड़ी बंद करिए। क्या कर रही हैं आप? पियानो बजा रही हो। चार्जर मिल गया? किसने दिया? डैडी ने। क्या बोला? ये आपका चार्जर है, यहीं पे बैठ के बजाओगी। डैडी क्या कर रहे थे? लैपटॉप पे। आज आपको पता है मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ अपने हाथों में। आपको भी लगाना है? अच्छा, केत की मासी को दिखाओगी? अपनी फ्रेंड की मम्मा को? ठीक है, आप बजाओ। अभी आप पियानो एंजॉय करो। ठीक है, बजाओ। बजाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज है करवा चौथ के एक दिन पहले का दिन, और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। वैसे मैंने मेहंदी लगवाने के लिए बुलाया है एक ब्यूटी पार्लर वाली को, दीदी को, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी अपने पैरों में मेहंदी लगाने। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ पैरों में एटलीस्ट मैं लगा लेती हूँ, फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो बोल रही थी इवनिंग में आएंगे, तो चलिए पैरों में मेहंदी स्टार्ट करते हैं। और हवा देखिए कितनी अच्छी आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। फ़ैन ऑफ है, देखिए फैन अभी गंदा है, मुझे सफाई करनी है। मैं सोच रही थी करवा चौथ की के बाद मैं अपनी दिवाली की सफाई करूंगी, और पीहू इधर बैठी हुई हैं। पहले पीहू भी लगाएगी क्या मेहंदी? लगाएगी? चलो फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ सबसे पहले मैं अपने पैरों में मेहंदी लगा रही हूँ। सिंपल से डिज़ाइन लगा रही हूँ, और हर बार लगाती हूँ तो इस बार भी पैर में तो लगाना बनता ही है। हाथ के लिए मैंने बुलाया है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे मेरे पैर की डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पीहू की भी मेहंदी लगा दी है मैंने, बहुत थोड़ी सी, बस ऐसे ही। पीहू खुश हो गई है? पीहू हैप्पी हो गई? चलो ठीक। छुड़ा दोगी फिर पीछे लगाओगी? ठीक है, दिखाओ पीछे। अभी पीछे लगाना है ना? ठीक है, छुड़ाना नहीं है, अभी वॉश नहीं करना। चलो ओके। तो गाइज, अभी मैंने अपने दोनों पैरों में मेहंदी लगा ली है। पीहू का थोड़ा सा ऐसे ही लगा दिया, उसका मन हो रहा था तो। और मेहंदी अभी मेरे पास ज़्यादा है नहीं, ख़त्म हो गई है, इसीलिए ये देखिए कौन ख़त्म है उसकी। थोड़ी सी ऐसी मैंने लगा दिया है कि उसका मन था। बाकी जो मेहंदी वाली दीदी आएंगी, फिर जब वो लगाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और वर्मा जी बाहर काम कर रहे हैं, मैं अपना हाथ धुल लूँ, थोड़ा सा हाथ में लग गया है। और पैर दिखाती हूँ एक बार फिर से मैं आपको, कैसा लग रहा है मेरे पैरों की मेहंदी, रोशनी में आके दिखाती हूँ। और आप लोग अपने मेहंदी का डिज़ाइन भेजिए मुझे फोटो इंस्टाग्राम पे, लगाऊंगी मैं अपने व्लॉग में आप लोगों की। तो देखिए दिखाती हूँ, तो ये देखिए मेरे पैरों की मेहंदी जो है, अब ये कलर कल आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। 6:25 हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम जो हो रहा है वो 6:25 हो रहा है, और अभी तक मेहंदी लगाने वाली जो दीदी हैं वो आई नहीं है। उन्होंने पहले मुझे बोला था 2 बजे आऊँगी, फिर उन्होंने मुझे बोला 7 बजे आऊँगी, लेकिन अभी उनका फ़ोन, मैंने फ़ोन किया कि आप 7 बजे आ रही हैं ना, तो वो बोली नहीं अब मैं 7:30 बजे आऊँगी। सो पता नहीं आएंगी वो कि नहीं आएंगी, मुझे नहीं पता है, बट मुझे अब टेंशन होने लगी कि अगर नहीं आ पाई वो, उन्होंने रात में ऐसे बोला, तो मैं क्या करूँगी। और मुझे दोनों हाथों में अभी मेहंदी लगानी है, मेरे सिर्फ पैर में मेहंदी लगी है। आज किसी के भरोसे बैठी हूँ तो ये हो गया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। और अब मैं, अभी 6:30 बज रहा है, मैंने आटा लगा दिया है। सबसे पहले मैं रोटियां बना के रख दूंगी, जिससे कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मेहंदी लगाने के लिए मैं फ्री रहूंगी। अगर वो 7:30 बजे आ जाती हैं तो हम लोग का तो वैसे भी डिनर जल्दी हो जाता है, इसीलिए। वेदर बहुत अच्छा हो गया है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ से हवा बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैं सोच रही हूँ चपातियाँ बना के, रोटी सब्जी बना के अपना खाना, फिर मैं वॉक के लिए हम लोग थोड़ी देर अभी नीचे जाएंगे। पीयू की फ्रेंड भी आने वाली है, काव्या, तो फिर उसको भी नीचे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, है ना? अभी आएगी वो थोड़ी देर में। ये आ गई है पीयू के साथ प्ले करने को, है ना पीयू? और पीयू की दादी कहाँ गए?
पीयू के डैडी कहाँ गए? कुछ सामान लेने चले गए। अच्छा आप ले करो, ठीक है। गाइज अभी 7:15 का टाइम हो गया है और आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बहुत अच्छी। ये देखिए मेरा ये प्लांट है, ये भी हिल रहा है। ये मैंने आज कपड़े धुले थे तो ये देखिए ये चादर, ये भी हिल रही है। हवा बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, तो कल का मौसम भी मुझे लग रहा है अच्छा ही रहेगा। और 7:15 हो गए हैं, मैं वॉक कर रही हूँ, मेरा खाना बन चुका है, लेकिन मेरी जो मेहंदी वाली है वो अभी तक नहीं आई हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बोला है लगवाने के लिए तो देखते हैं, वेट कर रही हूँ मैं अभी। तो वर्मा जी यहाँ पे लेकर के आए हैं गोल गप्पे, और तो अभी ये हम लोग खाने जा रहे हैं। और अभी मेहंदी वाली दीदी का फोन आ गया है कि वो बस थोड़ी ही देर में आने वाली हैं, और तो आप मेरे लिए गोल गप्पा लेके आए। हाउ स्वीट, थैंक यू। कल दिन भाई पूरा तुमको भूखा रहना है इसलिए। कल भूखा रखना है इसलिए। अच्छा अच्छा, वाह। तो गोल गप्पे खा करके मजा आ गया है और एकदम होठ, मेरे होठ बिल्कुल जल रहे हैं। मिर्ची उसने एकदम मजे से डाली थी। और 7:45 हो रहा है, ये देखिए 5 मिनट बाकी है। मेहंदी वाली दीदी ने बोला है कि वो आने वाली है। आज तो सारा दिन मेहंदी 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 वाली दीदी हो गया। फिर वर्मा जी क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं क्या? अभी जब आप सामान लेने गए थे तो मैं वॉक कर रही थी यहाँ पे। 20-25 मिनट मैंने वॉक करी। हाँ, घड़ी मैंने अभी रखी दी है। यहाँ पे पार्लर वाली दीदी जो हैं मेहंदी लगाने के लिए वो आ चुकी हैं, और इसी बीच में हमने अपना डिनर भी कर लिया था क्योंकि मुझे पता था मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग जाएगी तो फिर मुझे डिनर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और ये मैंने डिज़ाइन खोल करके दिया है उनको, और यहाँ मैं उनको बोल रही थी कि यहाँ पर मेरी वीडियो बन रही है। और हाँ, मैंने थोड़ा सा जब नहीं आई थी जब तक दीदी, मैंने डिनर के बाद बालों में ऑयलिंग भी कर ली है क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है। तो मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो मैं सोचती हूँ पहले बालों में अच्छे से ऑयल लगा लूँ तभी हेयर वॉश करूँ। तो ये देखिए मेरे एक हाथ में मेहंदी लग गई है। डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्होंने मेहंदी मेरी बहुत अच्छी लगाई थी, बट मेरे को बस यही था कि बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, मतलब ये 8:30 बजे आई थी और फिर इन्होंने जब मेहंदी लगाया ना तो लगाते लगाते बहुत टाइम हो गया था। अभी आपको आगे पता चलेगा बहुत देर हो गई थी। मेहंदी अच्छी थी बट थोड़ा स्पीड इनकी स्लो थी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो आज आप सभी लोग ने मेहंदी लगाई होगी, जो जो करवा चौथ का व्रत रखता है, तो आज मेहंदी वाली रात है। सभी लोग अपने अपने घरों में इस समय मेहंदी लगा रहे होंगे। इतनी लग चुकी है और अभी टाइम 10:20 हो गया है। 10:20 मिनट पीयू ने नाइट ड्रेस पहन ली और मुझे भी तो लगानी है। अब आप कल लगा लीजिएगा। मेहंदी लग गई है, अभी पीछे बाकी है। पुत्री भाई, कैसी लगी है? बहुत ही अच्छी लगी है यार। तो 8:30 बजे से मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हुआ था और अभी 10:20 मिनट हो चुके हैं। और दीदी बैठी थी तो उनको भूख भी लग रही होगी, सो मैंने उनको पहले चाय वगैरह दिया, उसके बाद फिर डिनर तो हमारा हो ही गया था तो इसलिए फिर उनके लिए मैगी बनाया। वर्मा जी ने ही बनाया था तो थैंक यू वर्मा जी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। और अब यहाँ पे मेरे बैक हैंड में लग रही है। आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी, कौन से हाथ की ज़्यादा अच्छी लग रही है कमेंट करके बताइएगा मुझे। और अपनी शादी के बाद अब मैं इस तरह से मेहंदी लगवा रही हूँ, मतलब वही वाला फील आ रहा है कि बहुत दिनों के बाद अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हूँ। क्या लाए हैं? दूध। दूध? हाँ। और तुम्हारा? तुम्हारा दूध रखा हुआ है, जाओ ले लो अपना। Thank you.
हाँ पहले फोन कर लो आप, नीचे तक अगर छोड़ना है तो, अगर आ जाते हैं तो ठीक है। तो और दोनों हाथों में इधर मेहंदी लग गई है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी है। इन्होंने लगाई है मेरी मेहंदी, दिखा दो। बहुत अच्छी है। चलो यहाँ अच्छा। पे थोड़ा सा खराब हुआ था इधर का। तो गाइज आप देख सकते हैं 12:30 बज गए हैं और यहाँ पे अभी पीहू जाग रही हैं। मेरे हाथों में मेहंदी लग गई है, मैंने आगे की मेहंदी छुड़ा भी दी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था लगे हुए। और लग रहा है पीहू के डैडी आ गए हैं, वो मेहंदी वाली जो थी दीदी उनको ये छोड़ने नीचे गए थे, सो ये आ चुके हैं। और मिलवाती हूँ मैं इनसे और बताती हूँ, पूछती हूँ इनसे इनको कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। ऑटो मिल गया था? हाँ क्या हो गया, ऑटो नहीं मिल रहे थे? देर हो गई ना काफी कुत्ते। तो कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी? मेहंदी बढ़िया। भाई इस ब्लॉग का एंड करते हैं आज रात के अंधेरे से, क्या नहीं पीऊ। ओके पीऊ, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, बाय।